पहले मैंने एक कटोरी राजमा ले ली है, जिसको अच्छे से 4-5 बार मैं पानी से धोकर और आधे घंटे के लिए मैं इसको भिगो कर रख दूंगी, क्योंकि राजमा बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं, तो आधा घंटा इनफ होता है इनको भिगोने के लिए। राजमा को 4 से 5 बार मैंने अच्छे से पानी से धो लिया हुआ है, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही भिगो कर छोड़ दूंगी। मेरे राजमा अच्छे से भीग चुके हुए हैं, अब मैं इनको बॉयल कर लूंगी। जो इसमें पानी है वो मैं साथ में ही ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ चुका हुआ है। साथ में मैं 2 कटोरी पानी और ऐड कर दूंगी इसके। और साथ में मैं इसमें 1/2 स्पून नमक डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। पहले मैं इसको 1 से 2 सीटी लगवा लूंगी और फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही धीम आंच पर रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। जब तक मेरे राजमा बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लूँगी। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया, कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर दूँगी और जीरे को अच्छे से चटकने दूँगी। साथ में मैं इसके 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ते इसमें ऐड कर दूँगी। जब जीरा हल्का सा चटक जाएगा तो मैं इसके अंदर अदरक ऐड कर दूंगी और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से 1 से 2 सेकंड के लिए चला लूंगी। 1 से 2 सेकंड हो गए हुए इसको चलाते हुए, अब मैं इसमें अपने प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी। साथ में मैं इसके 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च ऐड करती हूँ। प्याज को मैं तब तक भून लूंगी जब तक इसके हल्के से ये पिंक कलर के नहीं हो जाते। प्याज अच्छे से भून चुके हुए हैं, अब मैं इसमें अपने टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। टमाटर इसको मैंने अच्छे से पीस कर रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। मैं इसमें 1/2 स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी नमक डाला है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 स्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 स्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूंगी। 1/4 स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी अच्छे कलर के लिए। 1/2 स्पून मैं इसमें राजमा मसाला ऐड करूंगी। ये मेरा होममेड राजमा मसाला है, मैं बहुत ही जल्दी इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 5 से 10 मिनट के लिए इस मसाले को ढककर छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छा सा घी छोड़ दे। मसाला एक बार चेक कर लूँगी, अब आप देखेंगे मेरे मसाले ने कितने अच्छे से घी छोड़ दिया हुआ है। मैं राजमा के बॉयल होने का वेट करूँगी। चुके हुए मेरे राजमा को बॉयल होते हुए, मैं एक बार अपने राजमा को चेक कर लूँगी और अब आप देखेंगे मेरे राजमा अच्छे से हो चुके हुए हैं। अब मैं इसे मसाले में मिक्स कर लूँगी। राजमा से मिक्स कर लेती हूँ अपने। अभी मैं सूखे राजमा को अपने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँ। उसके बाद जो राजमा वाला पानी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से राजमा में मिक्स हो जाए। 1 मिनट हो चुके हैं, मैं राजमा को अच्छे से बॉयल होते हैं, मैं एक बार इसको चेक कर लूँगी। आप देखेंगे मेरे राजमा अच्छे से हो चुके हुए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी,
इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको सर्व कर लूँगी। देखिए मेरे राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।